Hey guys, good afternoon and welcome back to our YouTube channel Digital Freestyle. So guys, आप आज का thumbnail देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्या होने वाला है. How to do a rolling stoppie. So मैं आपको ये वाला नहीं सिखाऊंगा, ये वाला अभी थोड़ा टाइम के बाद सिखाऊंगा. अभी फिलहाल विवेक का हाथ टूट जाएगा गाइज, तो मैं उतर लेता हूँ. So guys, बहुत दिनों से बहुत लोग का डिमांड था कि हाउ टू डू ए रोलिंग स्टॉपी भैया, रोलिंग स्टॉपी डीएम अभी का पूरा रोलिंग स्टॉपी का ही आ रहा था. तो मैं सोचा कि फाइनली चलो दुर्गा पूजा भी ख़त्म, और गाइज जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जल्द ही हम लोग 3K होने वाले हैं गाइज. 3K समझ रहे हो, 3K कहाँ मेरा 2000 था, अभी डायरेक्ट 1000 होने वाले. इतना सारा वीडियोस आपके लिए लाया हूँ, 21 डेज का चैलेंज भी रख दिया है, कंटिन्यूअसली वीडियोस भी आ रहे, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो. और अभी इतना बात नहीं करूँगा गाइस. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर रोलिंग स्टॉपी से करना है, आई नो रोलिंग स्टॉपी बहुत कूल लगता है दिखने में, बहुत सही लगता है एकदम, जब पीछे का पहिया ऐसे जाके रोल होता है, ओ माय गॉड क्या ही बोले, टेंशन आ जाता है एकदम. तो वही अगर टेंशन आपको दिखाना है तो सेफ्टी फर्स्ट, ऐसा वाला एक हेलमेट पहन लीजिए कि सर फूटे ना, और प्लस जूता तो रहना पड़ेगा, और ग्लव्स मैं पहनूंगा अभी, ग्लव्स भी रहना चाहिए क्योंकि आप जब गिरेंगे तो घिसेंगे, तो घिसना नहीं चाहिए. मेरा ऑलरेडी घिस चुका है, मैंने 2-3 बार ग्लव्स नहीं पहना था, ये देख सकते हैं सब घिस चुका है. तो फर्स्ट स्टेप तो सुन लिया आपने, और बहुत सारा स्टेप है, वो मैं स्टेप बाई स्टेप दिखा रहा हूँ, तो देखते रहिए. सो गाइज लाइक ग्लव्स पहन के मैं रेडी हूँ. सो गाइज लाइक पहला स्टेप है, आपको जब स्टॉपी करने जाएंगे, स्टॉपी के लिए मैं प्रेफर करूँगा आपके पास अगर हाइड्रोलिक ब्रेक नहीं है, मैकेनिकल से उतना होगा नहीं, क्योंकि मैकेनिकल बहुत टफ होता है, और मैकेनिकल क्या क्या बीच में क्या होता है, आप अगर जोर से मारेंगे कभी कभी मैकेनिकल लॉक हो जाता है, वो लॉक होगा तो साइकिल पूरा ऐसे होगा, मुँह के बल पूरा गिरेंगे, कहानी पूरा ख़त्म हो जाएगा. तो मैकेनिकल मैं उतना प्रेफर नहीं करूँगा, तो हाइड्रोलिक इज़ बेस्ट. तो रोटर भी आप 160 से ही हो जाएगा, और 180 लगा देते तो और अभी अच्छा और स्मूथ जाएगा, थोड़ा पावर ज़्यादा मिलेगा, लेकिन मैं खुद ही अभी 160 यूज़ कर रहा हूँ, मैं अपग्रेड करूँगा नेक्स्ट टाइम, वो सब छोड़िए अभी बाकी बात है. तो फर्स्ट स्टेप गाइस, स्टंट का फर्स्ट स्टेप, गाइस फर्स्ट स्टेप है आपको स्टॉपी ऐसे नहीं उठाना, ऐसे बिल्कुल नहीं. आप बस सोच रहे ऐसे जाके ऐसे उठाएंगे स्टॉपी ओ करके, वैसे स्टॉपी नहीं करना है आपको. रोलिंग स्टॉपी करना है तो हमेशा सीट थोड़ा सा नीचे कीजिए, सीट अगर ऊंचा करके करेंगे तो ज़्यादा हाइट मिल जाएगा, आप डरेंगे तो नीचे देख, मतलब आपका व्यू थोड़ा ज़्यादा नीचे हो जाएगा, तब आप ख़त्म, गिर के ख़त्म, कहानी ख़त्म. तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सीट नीचे रखना है, आप इतना भी नीचे मत रखिए, अगर फ्रेम के हिसाब से रखिए सीट को, थोड़ा मीडियम हाइट में भी रख सकते हैं, इतना तक रख सकते हैं, मुझे तो अभी इतना तक पसंद है, इतना तक कर रहा हूँ. और गाइस मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, मैं भी इसमें प्रो नहीं हूँ, लाइक रोलिंग स्टॉपी में मास्टर करने के लिए बहुत साल चाहिए, लाइक बहुत ही साल चाहिए. जो लोग प्रो राइडर है उन लोग को भी बहुत टाइम लगता है रोलिंग स्टॉपी सीखने में, मुझे ही मेरा ही फट जाता है अभी रोलिंग स्टॉपी मारने, कभी कभी ऐसे दिखता हो तो ऐसा हाइट लगता है तो क्या होता है, जल्दबाजी में ब्रेक दबा जाता है तो गिर जाता हूँ, तो वो एकदम बहुत डेंजर है स्टंट. तो जो भी करेंगे सेफ्टी के साथ कीजिएगा. सो गाइस अभी बारी है आपको हाइट उठाने के लिए, जब आप थोड़ा रन अप आपको लेना पड़ेगा, पहले थोड़ा जब आप रन अप लेंगे, रन अप लेके आपको थोड़ा हाइट उठाना है, आपको हाइट उठा के थोड़ा ब्रेक के इधर हाथ में कंट्रोल होना चाहिए, आपको सीधा देखना है, अगर नीचे देखेंगे तो कभी आपको रोलिंग स्टॉपी नहीं हो. थोड़ा स्पीड में आइए, थोड़ा स्पीड में थोड़ा आपका लगे कि हाँ मैं स्पीड में, थोड़ा रोलिंग कॉन्फिडेंस चाहिए कि हाँ मैं स्पीड में कर पाऊँगा, तो ऐसा कुछ चाहिए तब आप कर पाएंगे. तो ऐसा हाइट उठाएंगे तो हाइट उठा के तब स्मूथ जाएगा, जैसे आप इतना हाइट में लेंगे तो गाइस जाएगा नहीं, ब्रेक का दम में ही चला जाएगा, तो उसमें वो होगा नहीं, जितना हाइट उठाएंगे उतना अच्छा है, मैं आपको डेमो दे दूंगा. तो जैसे कि आपने देखा मैंने रन अप लेके जस्ट ब्रेक जैसे मारा, ब्रेक मार के आपको सीधा देखना है और हमेशा हैंड स्ट्रेट रखना है, जब हाथ स्ट्रेट रखेंगे तब आपको सीधा जाएगा. और अगर आपने बेसिक सीख लिया कि आप थोड़ा मेजरमेंट कर लीजिए कि आपको मैंने आज इतना से इतना तक किया हूँ, फिर कल इतना से इतना तक करूँगा, वैसे से करके करके आप फिर
नेक्स्ट स्टेप में चाहिए रोलिंग स्टॉपी। कोलकाता से एकदम दिल्ली तक जा पाओगे भाई, आगे के चक्कर से पीछे पीछे का चक्कर का जरूरत नहीं। ज्यादा बोल जाइए गाइस, ये तो कुछ और ही दुनिया में। मोटिवेशन देता हूं मैं गाइस सबको। नहीं नहीं, खुद तो कर पाया नहीं आज तक, व्हीली सिखा नहीं पाया उसको, ये मोटिवेशन दे रहे। उसको चेहरा दिखा दे एक बार, दांत दिखा दे, लोगों को दांत दिखा दे अपना। तो गाइस लाइक अभी है फर्स्ट स्टेप में क्या करना है गाइस, कुछ नहीं करना है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में सारा मैंने वक्त दिया, कुछ नहीं है। थर्ड स्टेप में आपको बस प्रैक्टिस करना है और कॉन्फिडेंस लाना है कि हाँ आप कर सकते हैं। रोलिंग स्टॉप भी इतना हार्ड नहीं है गाइस, बस थोड़ा फोकस रहना पड़ेगा, माइंड को स्टेडी रखना पड़ेगा और लाइक ब्रेकिंग के ऊपर है, आप कितना ब्रेकिंग कर सकते हैं। ब्रेकिंग इज इम्पोर्टेंट। आप अगर ऐसे जाके पूरा स्पीड में जाके वो करेंगे तो सीधा एकदम पटक जाओगे, कहानी खत्म होगा। तो आपको एक हाइट उठाना है, एक मतलब एक मेंटेन करना पड़ेगा एक हाइट, जो कि ये हाइट में आप जा सकते हैं, पूरा एकदम स्मूथ जा सकते हैं। तो वही बात है। सो गाइस लाइक मेरा एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट मतलब मेरे साथ जो प्रैक्टिस करता है आपको पता है निशांत, वो भी बेसिक सीख रहा है। उसका बेसिक आप रोलिंग स्टॉपी देख लीजिए, वो भी इतना दिन से कोशिश कर रहा था, उसका बहुत थोड़ा बहुत आगे से बहुत परफेक्ट हुआ है। निशांत जैसा कि आपने देखा उस टाइम हाइट उठाया, पहले हाइट लेना चाहिए, हाइट लेके फिर आप ब्रेकिंग कीजिए आगे की तरफ। देखिए पूरा एकदम स्मूथ जाएंगे, एकदम दाते ही रहेंगे, स्टेडियम फार के निकलेंगे। मगर मैं तो आज तक निकला नहीं हूँ ऐसा, आप ट्राई कीजिएगा एकदम पूरा, कोशिश करिए उल्टे जानने के लिए। सो गाइस आज का वीडियो इतने तक ही था, थोड़ा इन्फॉर्मेशन, गुड इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो नेक्स्ट आपको क्या किसके ऊपर ट्यूटोरियल चाहिए आपको मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए लेके आ जाऊँगा। तब तक के लिए गाइस, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छा लगा ना वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना। और निशांत रोलिंग स्टॉपी सीखने में तुमको कितना टाइम लगा, थोड़ा बोल दो। लोग बहुत टाइम लगा, बहुत टाइम है, एक सप्ताह तो लगा ही ना, एक सप्ताह लगा तो एक सप्ताह को बहुत टाइम नहीं बोलते। लाइक रोलिंग स्टॉपी सीखने में मुझे आज तक लाइक मैं 4 साल से कर रहा हूँ, 4 साल में भी ऐसा लगता है मुझे मेरा परफेक्ट नहीं हुआ है। तो इसमें टाइम लगता है गाइस, ऐसा नहीं कि आपको ऐसा मत सोचो कि 4 साल लग गया, ऐसा नहीं है गाइस। थोड़ा सा कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से हो जाएगा। सो आज का वीडियो गाइस इतना तक ही था, मिलते हैं कल। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको नेक्स्ट क्या वीडियो चाहिए, मैं एक ही बात दोहरा रहा हूँ। तो ये हम लोग का कैमरा मैन हैंडसम बॉय, देख सकते इसका स्माइल, ओह माय गॉड। तो आज कृष्णा नहीं आया, कृष्णा गया विसर्जन के लिए, तो कल का तो विसर्जन हम लोग का ऑलरेडी हो चुका है। तो मैं आज सोचा कि प्रैक्टिस करने आ रहा था, ऐसे बेकार घर में बैठ के तो फायदा है नहीं। तो गाइस आज के लिए इतने तक ही था, राइड हार्ड, राइड सेफ, राइड हार्ड, राइड सेफ, बाय बाय।